विनेगर यानी कि सिरका, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर घर की सफाई और खाने पीने की चीजों में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे किडनी की सफाई में भी इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हम किस विनेगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब विनेगर भी कई तरीके का होता है। अब आपने व्हाइट विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विनेगर और होता है जिसका नाम ब्राउन विनेगर होता है। इसे मॉल्ट विनेगर भी कहा जाता है। ये आपके लिए सुनने में नया नहीं है, लेकिन इसके फायदे जानने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बता दें कि ब्राउन विनेगर जौ के दानों से बनाया जाता है। इसका फ्लेवर बहुत ही तीखा होता है, लेकिन ये खाने में टेस्ट बढ़ाता है। ब्राउन विनेगर सबसे ज्यादा फिश और चिप्स में टॉपिंग करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये वेजिटेबल्स, पिकल्स, चटनी बनाते वक्त भी बहुत काम में आता है। अब ये तो हो गई खाने की बात, चलिए मॉल्ट विनेगर के कुछ फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि ब्राउन विनेगर लेने से ब्लड शुगर और टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इसमें अगले नंबर पर आती है हार्ट डिजीज। ब्राउन विनेगर में पॉलीफेनॉइड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकता है। इसकी वजह से आप हार्ट डिजीज जैसे कि स्ट्रोक और अटैक से बच सकते हैं। वहीं बात अगर किडनी की करें तो बता दें कि मॉल्ट विनेगर किडनी में स्टोन्स बनने से बचाता है। और अगर आपको किडनी स्टोन्स पहले से ही हैं, तो ये आपको उससे होने वाले पेन और इन्फ्लेमेशन से भी बचाए रखता है। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स और मिनरल्स को भी दूर रखता है, जो किडनी स्टोन बनने का खतरा पैदा करते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्राउन विनेगर किडनी को हेल्दी बनाने में फायदेमंद है। तो जैसा कि आपने वीडियो में ब्राउन विनेगर से भरपूर फायदों के बारे में जाना, लेकिन इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। और वहीं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और ब्राउन विनेगर को अपनी डाइट में शामिल करना चाह रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम के अलावा और भी कोई डिजीज हुई तो वो आपके रिपोर्ट्स को देखकर बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आपके लिए ब्राउन विनेगर कितना फायदेमंद होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।